बिहार चुनाव में इस दफा कई मुद्दे हैं, लेकिन अगर आप एक निर्णायक मुद्दा सोचें तो उस मुद्दे को पकड़ नहीं सकते। बिहार चुनाव में इस दफा कई नेता हैं, लेकिन नीतीश कुमार कतार में सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण नेता के तौर पर, सीएम के चेहरे के तौर पर दिखते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है, वो ये कि नीतीश कुमार ही कहीं मुद्दा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एंटी इनकम्बेंसी राजनीति में इतनी चर्चित है वो इस दफा नीतीश कुमार को सताएगी। को और आगे ले जाना, और बिहार का गौरवशाली इतिहास है ये, तो और काफी ऊंचाई तक हमको अपने बिहार को ले जाना है एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, तो इतना ही हम आपको कहेंगे और सब पूरा बुलंदी के साथ। और नई पीढ़ी को जो पहले का बुरा हाल था इसके बारे में बताइए, और जो अब हुआ है इसके बारे में सब काम को बताइए। हर किस से विकास कर रहा है उसका ये मानक है, उसका ये पैमाना है, और मुझे पूरा भरोसा है आगे आने वाले वर्षों में फिर जनता आपको बिहार की सेवा करने का मौका देगी। ने ये वादा किया है बिहार की जनता से कि पहले कैबिनेट में, पहले कलम से, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख रोजगार, सरकारी और स्थायी नौकरी हम बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। 2010 से लेकर आज तक सिर्फ इनकी कुर्सी कैसे बची रहे उसके अलावा इन्होंने प्रयास क्या किया? मैं 10 नवंबर के बाद में भाजपा लोजपा की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, नीतीश ही नहीं बनेंगे इस पर बनेंगे ही नहीं बनेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री बने ये मेरा सपना है और ये मेरा संकल्प। किसान आज मरने को तैयार है, लड़ने को तैयार है, पुलिस गोली और डंडे चला रही है, हरियाणा और पंजाब के किसान कंप्लीट मरने की तैयारी कर चुकी है। नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार के किसानों की जिंदगी कमर तोड़ दी। चुनाव है, आरोप लगेंगे, सफाई दी जाएगी, लेकिन अंतिम निर्णय वो जनता करेगी जिसका हमदर्द होने का दावा हर चुनावी प्रतिभागी कर रहा है। आमतौर पर राजनीति में ये विमर्श खूब काम करता है कि लंबे समय तक एक ही पार्टी या व्यक्ति का शासन धीरे धीरे सत्ता विरोधी माहौल तैयार करता है। इन चुनावों में ये मायने रखेगा कि क्या ये बात डेढ़ दशक के नीतीश शासन पर भी लागू होती है। नीतीश जी के सरकार में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है और अफसरशाही बहुत ज्यादा है, इसलिए जनता त्रस्त है। आज तक कोई एक फैक्ट्री तक नहीं लगा पाए और इतना बढ़ा दिए हर चीज पर टैक्स कि टैक्स का जो स्थिति है कि आदमी जनता त्राह कर रही है। सरकार किसी का भी बने मुझको कोई ऐतराज नहीं, लेकिन मेन है कि स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छा करे। कई चुनावी एक्सपर्ट्स का मानना है कि नीतीश के साथ एनडीए है, एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री मोदी है। सवाल ये भी उठता है कि क्या नीतीश से अगर नाराजगी होगी तो ब्रांड मोदी की सांत्वना जनता पर सकारात्मक असर डाल पाएगी? हमको एकदम ठीक नहीं लग रहा है, मोदी जी नीतीश कुमार के साथ है हमको एकदम पसंद नहीं है। मोदी जी अकेले रहते थे ठीक रहा, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ठीक नहीं है। ये दल बदलू नेता है नीतीश कुमार जी, इधर मतलब देखता है इसका मजबूत उधर जाके मिल जाता है। राजनीतिक जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ज़्यादा आज के तारीख में मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि जो जात धर्म ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। बीजेपी बिहार में जेडीयू से एक कदम पीछे रहती है, लेकिन ये बात नहीं भुलाई जा सकती कि जब 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से अपने लिए वोट मांगे तो बिहार की जनता ने 40 में से 39 सीटें एनडीए के खाते में डाल दी थी। प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार में उतरेंगे तो जनता की कसौटी पर वो स्नेह और उसके बदले क्या हासिल हुआ ये भी रहेगा। चुनावों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री मोदी का फोकस भी बिहार को लेकर खूब रहा और उन्होंने एक के बाद एक घोषणाएं की जिनमें सबसे प्रमुख थी बिहार को भावनात्मक रूप से जोड़ने वाला कोसी रेल महासेतु, 12 नई रेल परियोजनाओं का बिहार को तोहफा, दरभंगा को एम्स का उपहार देने की घोषणा, 9 हाईवे प्रोजेक्ट्स के साथ बिहार के करीब 46,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर योजना से जोड़ने का ऐलान, मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और पशु पालकों के लिए ई गोपाला ऐप शुरू किया। लेकिन इन्हें बिहार विकास का एक्सटेंशन माने या चुनावी घोषणाएं, ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार से इतर प्रधानमंत्री मोदी पर जनता का कितना भरोसा है, क्योंकि जनता नीतीश के काम को भी सामने रखकर ही मतदान करेगी।
जिंदगी में परिवर्तन आया है कि नहीं आया है? परिवर्तन आया है, हम लोग सोचे थे नहीं कि हम लोग के हाथ हाथ कार्ड हो जाएगा, राशन कार्ड हो जाएगा, गैस पर खाना बनाएंगे, गरीब आदमी है। परिवर्तन बहुत हुआ है, ऐसा बात नहीं कि परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी के बारे में हिसाब से लगता है या नीतीश कुमार के हिसाब से लगता है? हमको मोदी के बारे में लगता है। अच्छा, और नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार के बारे में सोचते हैं कि वही सड़क फड़क बनाया, हम लोग के अभी तक डियर में रहते हैं, कोनली पास नहीं हुआ है। अभी हम लोग सरकारी जमीन में बसे हुए, पार्टी पुल देखा, अभी तक वहाँ पर न पैखाना वखाना बनाया गया हुआ है, पैखाना बनाया गया है लेकिन उसको ताला मार के लॉक कर दिया गया हुआ। नीतीश कुमार एक बार फिर लालू राज को जंगल राज की संज्ञा के अलावा शराबबंदी और विकास के नारों के साथ चुनाव मैदान में है। इसके अलावा आंगनबाड़ी सेविकाओं से लेकर विकास मित्रों की वेतन वृद्धि, बिजली योजनाओं और पुलों के साथ एलिवेटेड रोड्स के जरिए विकास के नक्शे के साथ सातवें कार्यकाल के लिए वोट मांग रहे हैं। सब कुछ व्यवस्था किए हैं, अब बांटने वाला हमको दे न दे वो अलग की बात है, बांटने वाला दे न दे वो अलग की बात है, लेकिन वहाँ से फंड से हम लोगों को कमी नहीं हुआ है। कौन सा काम अच्छा लगा? सब जो काम किया है ना सब अच्छा हम लोग का अच्छा है। नहीं ठीक है, नीतीश जी का काम ठीक है, लेकिन हम लोगों पर ध्यान दे, हम लोग दिया क्षेत्र से आकर के यहाँ बसे हुए हैं और वो टोपर कौन के हम लोगों को सब काम डुबा दिए हैं, हम लोग मर रहे हैं, सब जमीन जा रहा है। लेकिन कोरोना काल में सरकार का प्रबंधन, बाढ़ में सरकार की संवेदनाएं, दंगों की आंच से उपजे सांप्रदायिक हिंसा के निशान और अपराध पर कितना अंकुश, ये मुद्दे भी जनता के बीच हैं। किसान हर चुनाव में एक मुद्दा रहते हैं, उनकी जरूरतें हर चुनाव में पार्टियों के घोषणा पत्रों में होती हैं, लिहाजा उनकी राय भी चुनावों में निर्णायक होगी। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिल लाई जिसका असर कई राज्यों में पड़ा, क्या बिहार का वोट भी इस मुद्दे पर पड़ेगा और अगर हाँ तो किस पक्ष में?